दोस्तों, हमारे आसपास कई प्रकार के फल पाए जाते हैं, जिनमें से सीताफल भी प्रमुख है। सीताफल का सेवन व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य में होने वाली कई खामियों में कुछ हद तक सुधार कर सकता है। दोस्तों, सीताफल खाने के फायदे के अलावा इसके कुछ नुकसान भी हैं। इस वीडियो में हम सीताफल खाने के फायदों के साथ आपको सीताफल खाने के नुकसान के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। नंबर 1, सीताफल में वजन बढ़ाने की क्षमता भरपूर होती है, और अगर आप वजन बढ़ाने के सारे जतन करके थक चुके हैं तो तैयार हो जाएं एक नए और मीठे उपाय के लिए। आपको बस सीताफल को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है और आपका मनचाहा फिगर आप पा सकेंगे बहुत ही जल्दी। नंबर 2, सीताफल में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। विटामिन सी में शरीर की रोगों से लड़ने वाली शक्ति यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की क्षमता होती है, तो हर दिन एक बार सीताफल खाइए और भगाइए दूर बीमारियों को। नंबर 3, क्या आप अक्सर कमजोरी महसूस करते हैं? सीताफल आपकी यह परेशानी दूर कर सकता है। सीताफल बहुत ही अच्छा एनर्जी का स्रोत होता है, और इसके सेवन से थकावट और मसल्स मतलब मांसपेशियों की कमजोरी आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। बस सीताफल को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। नंबर 4, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ सीताफल दिमाग को शीतलता देने का भी काम करता है। यह आपको चिड़चिड़ेपन से बचाकर निराशा को दूर रखता है, तो फिर बस सीताफल अपनाइए और अपनी मानसिक शांति को रखिए अपने साथ हमेशा। नंबर 5, सीताफल आपके दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उत्तम है। इसको नियमित खाकर आप दांतों और मसूड़ों में होने वाले दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 6, खून की कमी यानी एनीमिया से बचना अब बिल्कुल आसान है। सीताफल का हर दिन इस्तेमाल खून की अल्पता को खत्म कर देता है और उल्टियों के प्रभाव को भी कम करता है। नंबर 7, सीताफल आंखों की देखने की क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और रिबोफ्लाविन काफी ज्यादा होता है। इससे नंबर के चश्मे को आप खुद से बड़ी आसानी से दूर रख सकते हैं। नंबर 8, सीताफल में मौजूद मैग्नीशियम शरीर में पानी को संतुलित करता है और इस तरह से जोड़ों में होने वाले अम्ल को हटा देता है। यह अम्ल गठिया रोग का मुख्य कारण होता है, और इस तरह से सीताफल गठिया रोग से सुरक्षा करता है। नंबर 9, दिल की तंदुरुस्ती अब बिल्कुल आसान है। इसमें सोडियम और पोटेशियम संतुलित मात्रा में होते हैं, जिससे खून का बहाव यानी ब्लड प्रेशर में अचानक होने वाले बदलाव नियंत्रित हो जाते हैं। और लास्ट है नंबर 10, शुगर को संतुलित रखना सीताफल के उपयोग के साथ बहुत ही आसान है। इसमें शरीर में होने वाली शुगर को सोख लेने का गुण होता है, और इस तरह से यह शुगर का शरीर में स्तर सामान्य बनाए रखता है। दोस्तों, सीताफल के कुछ खास दुष्प्रभाव नहीं हैं। सीताफल के बीज आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, इससे आंखों का संक्रमण हो सकता है। सीताफल खाते समय इसके बीज को निकाल लें, नहीं तो यह गले में फंस सकता है। सीताफल के लाभ या सेवन से जुड़े इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।